जिस दिन हिंदुस्तान के लोग शांति भूल जाएंगे ना, उस दिन समझ जाइएगा प्रलय आने वाला है यहाँ पर। कहा कि देखिए सर, अगर हम आतंकवादी का साथ देंगे ना तो सेना हमको मार देगी, खोज के मार देगी, एक महीना बाद मार देगी, दो महीना बाद मार देगी, क्योंकि हम आतंकवादी का साथ दिए, गलत किए। और अगर हम आतंकवादी का साथ नहीं देंगे ना, सेना का साथ देंगे कि आतंकवादी आया तो आतंकवादी हमको मार देगा। अरे यार मन मतलब अजीब सा बन गया यार, कि कोने दीवार में अपना माथा लड़ाए, हद है जजरा कहीं का। अरे तरीका, अब बताओ भाई, कोई वैश्या उठ के कहे कि हम सती सावित्री है, मेरा अग्नि परीक्षा ले लो। अरे तरीका, पूरी दुनिया में ससुरा आतंकवाद फैलाया, हमसे कह रहा खान साहब आप इंडिया को नहीं जानते, बहुत आतंकवाद फैलाए। अरे भाई साहब पगला, मिल जाता ना उसको, बता रहे हैं कसम से ना, दांते काट के मार डालते उगरा हम। देखो शांति के लिए पूरी अंतर्राष्ट्रीय शांति रखना है, हम लोग हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति कहते हैं, क्योंकि 1971 में जो हम वीडियो बनाए हैं, अगर हम लोग आज चाहें तो पाकिस्तान को कचर के हेल जाएंगे लोग, ईरान ऐसे पैदल चल चलेंगे लोग, पद यात्रा हेल जाएंगे लोग पाकिस्तान, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति रखते हैं। जो भी संधि किए हैं हम लोग ने, समझौता किया, हम लोग अपनी जान पर खेल कर हम लोग ने रूस का साथ दिए थे, वो अलग बात है कि रूस ने भी हमारा साथ दिया था। हम लोगों ने मालदीप में जब सरकार बदल दी गई थी, वहां की सेना ने तख्ता पलट किया था, तो हम लोग ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और संधि के लिए हम लोग ने अपनी सेना भेजी थी वहां पर। यूगोस्लाविया में वहां के विद्रोहियों गुट हो गए थे, तो वहां पर हम लोगों ने शांति स्थापित करने के लिए इंडियन आर्मी को भेजा था, वहां हमारे जवान शहीद हो गए थे। अफ्रीका में आज भी आतंकवादी वहां के आम नागरिकों को मारते हैं, तो हमारी सेना यूएनओ की ओर, यूएनओ जो है ना अंतर्राष्ट्रीय, यूएनओ भी बताएंगे आपको, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ, जैसे मान लीजिए बिहार में क्राइम हो गया तो बिहार पुलिस देखेगी, इंडिया लेवल का क्राइम हुआ सीबीआई देखेगी, इंडिया के बाहर गया बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, इंडिया की पुलिस, सबका पावर खत्म, कौन देखेगा? हमारे यहां कोई मर्डर करके विदेश भाग गया तो कौन देखेगा? आपकी इंडिया की पुलिस जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, खत्म। सुप्रीम कोर्ट वहीं जहां तक भारत का क्षेत्रफल है, वहां कौन देखेगा? यूएनओ। तो यूएनओ के कहने पे भारतीय सेना जाती है, अपनी बहादुरी से लड़ती है, वहां कर्नल रैंक के अधिकारी शहीद हो जाते हैं, कर्नल को कहा जाता है उस यूनिट के पिता के समान होता है वहां पर, तो कर्नल यूनिट का सिपाही हमारे यहां का शहीद हो गया, किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति हो सके, क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति वाले हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, वरना न इस देश की ना आदि था ना अंत था, जब दुनिया में किसी का नाम नहीं था तो यहाँ सिंधु सभ्यता में शहरी संपनप रही थी, विश्व गुरु का था यहाँ पर, लेकिन लोगों ने, हम लोग अगर अपनी शांति, जिस दिन हिंदुस्तान के लोग शांति भूल जाएंगे ना, उस दिन समझ जाइएगा प्रलय आने वाला है यहाँ पर, तो हम लोग हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति को मानते हैं। आपको अगर याद होगा तो 2000 हम आपको 14 की बात बताते हैं, 2014 में पाकिस्तान ने हमारे 2 सैनिकों का सर काट लिया था, इसके बावजूद पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे उस समय शायद, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह में जियारत करने आए थे, हम लोगों ने अपनी सेना से सुरक्षा देकर उन्हें भेजा था कि भाई हम लोग जानते हैं कि तुम जानवर हो और हम इंसान हैं, कभी भी हम लोग बराबरी नहीं कर सकते हैं यार तुम्हारी, कभी भी नहीं कर सकते हैं, कभी हो ही नहीं सकता, हम लोग इंसान हैं, क्योंकि हमें दूसरे का रेस्पेक्ट करना जानते हैं, हम इतना रेस्पेक्ट करना जानते हैं कि जिसकी भाभी का हत्या अपहरण करके रावण ले गया, वो रावण से शिक्षा लेने के लिए जो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के जो भाई थे लक्ष्मण जी, वो पैताने बैठे थे कि हमें शिक्षा चाहिए, ये होता है वहां पर रेस्पेक्ट। तो हमारे यहां लिखा ही है कि भैया हमें क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, हम लोग कभी रेस्पेक्ट, आप अगर पहले देखिएगा ना, आज हमारा समाज जो है ना, हिंदुस्तान की संस्कृति धीरे धीरे धूमिल हो रही है, पहले शास्त्रार्थ होते थे, पहले जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में विवाद हो जाता था तो दोनों के धर्मगुरु आमने सामने बैठ के डिबेट करते थे और बहुत तमीज से डिबेट करते थे, वो उसको कहते थे प्रणाम आचार्य, आपने ऐसा कहा, आप हम क्या कहेंगे, आप कोई भी पुराना सीरियल उठा के देखिए कितने तमीज से डिबेट होता है, असल आज का डिबेट देखिए न्यूज चैनल पे, एगो मौलाना को उठा लेगा, एगो उनसे कोनो को उठा के लेके चलाएगा, मंत्री उन्त्री को दोनों को लड़ा देगा, लो साला हमारा तो, हमको तो फायदा हो रहा है यहाँ पर, तो हम लोग संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और आप लोगों को भी कहते हैं कि आप अपने जीवन में इतना मिठास लाइए ना कि अगर आपके सर पर कोई बंदूक भी रख दिया है तो आपकी जुबान की मिठास देखकर वो बंदूक हटा दे कि यार हम किसे मारने जा रहे हैं। प्रेम से रखिए आप किसी चीज़ को, आप प्रेम से आप हर चीज़ जीत सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल मेरा क्लास डिस्टर्ब हो गया था, गलती तो मेरी थी ना जी, आपकी तो कोई गलती नहीं, आप तो पेमेंट दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। कई लड़का हमको कह रहा है कि ए सर जी चलिए नहीं रहा है, ये हो गया, देखिए कई लड़के रेस्पेक्ट से भी बोल रहे थे, हम आए आपसे क्या बोलने कि भाई बाबू लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था,
तो आप लोगों ने माना कि नहीं सर से डिस्टर्ब हो गया, लेकिन हम अपना अनुच्छेद 51 भूल के रेस्पेक्ट भूल जाएंगे, हम कहें क्या कर लेगा अरे एक दिन डिस्टर्ब हो गया तो क्या हो गया, आपको अच्छा लगेगा, कर तो आप कुछ भी नहीं सकते हैं, अरे खूब से खूब करेंगे क्लास नहीं करेंगे, यही ना, लेकिन रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगा मेरे लिए। तो याद रखिएगा जीवन में पैसा इज्जत सबसे बड़ा चीज होता है रेस्पेक्ट। जब आपसे कोई दिल से रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है ना, तो समझिए कि आप एक पत्थर के समान है, और वह पत्थर जिसे लोग पैर से मारते हैं ना कि पूजा करते हैं। समझ में आएगी नहीं आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो याद रखिए बहू, रेस्पेक्ट सबका कीजिएगा, अपने से बड़ा या छोटा सबको कीजिएगा रेस्पेक्ट। तो इसी में कहा गया है कि विदेश वालों को रेस्पेक्ट करना है। समझ में आएगी नहीं आएगा, चीन के राष्ट्रपति आते हैं तो तिब्बत के लोग उन्हें काला झंडा दिखाते हैं, हम अपने तिब्बतियों भाई को लाठी से पीछे करते हैं कि देख भैया हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हें हम खाने पीने के लिए देते हैं, तुम हमारे देश के नहीं हो फिर भी तुम्हें रखते हैं, इज्जत से रखते हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जगह दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने संविधान को भूल जाएंगे, हम अपने संस्कृति को भूल जाएंगे, नहीं, हमारा दुश्मन भी है लेकिन हमारे अगर जमीन पर पधारा है तो ये पावन धरती हिंदुस्तान की है, यहाँ दुश्मन भी सम्मान से जीता है और उसे जीने का अधिकार है, क्योंकि ये दुनिया का एक लौता देश हिंदुस्तान है जहां दुश्मन भी सर उठाकर जीता है। इस देश को गाली देने वाला भी शान से कहता है कि हम क्या कर लोगे तुम यहां पर, क्योंकि हमारी संस्कृति है। अब बेटा जिस दिन हम लोग संस्कृति भूल जाएंगे ना, उस दिन साला तुमको पृथ्वी पे भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगा, भागेगा कहां पर, लेकिन हमें अपनी संस्कृति बचा के रखना है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की लड़ाई के बीच में हमें उनसे बेहतर बनना है ना कि उनसे बुरा बनना है। तो हमें दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। चीन के राष्ट्रपति भी आते हैं तो हम लोग तिब्बती विरोधियों को साइड करा देते हैं, उनकी गाड़ी चली जाती है, कभी हम लोग ऐसा विरोध नहीं करते किसी दूसरे के साथ नहीं करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। और इसमें एक और कहा गया कि अगर कोई भी इंटरनेशनल विवाद हो जाता है तो किसी दूसरे सीनियर को बुलाकर आप उसमें क्या कीजिए, आर्बिट्रेरी का काम करिए। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, मध्यस्थ व्यक्ति को बुलाइए जो दूसरे में सुलझा दे। कैसे, आप लोग बचपन में झगड़ा कर लेते थे, दो आदमी स्कूल में 5-6 में पढ़ रहे होंगे तो झगड़ा कर लेते होंगे, तो टीचर आते होंगे, तुम क्यों बदमाशी की हो, तुम क्यों बदमाशी की हो, तो टीचर की दोनों बात सुन के हाथ मिला लेते होंगे, होते हैं कि नहीं होते। तो संविधान में कहा गया कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होगा तो आप मध्यस्थता का काम कीजिएगा, और इसी वजह से ससुरा कश्मीर का मुद्दा अटक गया। हम लोगों ने कश्मीर में मध्यस्थता उस आदमी से मांगने की कोशिश की जो पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान बनाने के बाद भगवान भी अपनी गलती पे पछता रहा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि हमने कहां से कहां इसको बनाया यहां पर, वही हाल हो गया यहां पर। हम लोगों को लगा कि मध्यस्थता करेंगे, कहेंगे यूएनओ से कि आप कश्मीर का मुद्दा सलटा दीजिए, लेकिन क्या कीजिएगा वहां पर, इतना ना आतंकवाद फैला दिया वहां पर कि खुद कश्मीर के लोग परेशान हैं। एक कश्मीर के आदमी से हम बात किए थे, वो कहा कि जानते हैं सर, दुनिया में नरक देखना है तो हम लोग की ज़िंदगी देख लीजिए। तो हम कहे काहे भाई ऐसा काहे कर रहे हो, हम तो सुनते हैं कि कश्मीर में स्वर्ग है। कहा कि सर हम लोग की ज़िंदगी नरक है। हम कहे कैसे, कहा कि देखिए सर, अगर हम आतंकवादी का साथ देंगे ना तो सेना हमको मार देगी, खोज के मार देगी, 1 महीना बाद मार देगी, 2 महीना बाद मार देगी, क्योंकि हम आतंकवादी का साथ दिए, गलत किए। और अगर हम आतंकवादी का साथ नहीं देंगे ना, सेना का साथ देंगे कि आतंकवादी आया तो आतंकवादी हमको मार देगा। खान साहब आप बताइए हम क्या करेंगे। ये बात हकीकत है, कश्मीर में जो वहां के कुछ चंद नेता लोग अपनी फायदा के लिए ऐसा बवाल मचा देते हैं कि जो वहां शांति से रह के जीना चाहता है ना, उसके आगे 2 ऑप्शन छोड़ा है सर, या आतंकवादी की गोली से मरोगे या सेना की गोली से मरोगे, बहुत गलती हो गया। इसलिए हम आप सबको कहते हैं कि आपका एक कदम आगे आने वाले कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा, इसलिए कभी गलत कदम मत उठाइएगा। वहां कुछ गलत कदम उठाए गए थे 1990 के दशक में, पंडितों को भगा दिया गया वहां से, अजब हाल है भैया, भगा दिए। कितना बेहतरीन मौका था कश्मीरियों के लिए, पंडित वहाँ के जो कश्मीरी पंडित थे उन्हें अपने भाईचारा की तरह रखते, अपने हाथ से तुम कुछ नहीं करते, तुम अपने हाथ से अगर उन पंडितों को खाना खिलाते ना, एक फोटो भी भेज देते तो लोगों के दिल में इज्जत बढ़ जाती कि हमारे कश्मीर के भाई कितने अच्छे हैं जो ब्राह्मणों को खाना खिला देते हैं, अरे कम से कम इतना तो कर। लेकिन क्या किए साले, लतिया के भगा दिए वहाँ पर, बहुत बड़ा तुम्हें जन्नत मिल गया यहाँ पर, और तुम सोचते हो कि हमारी सेना इज्जत करके देखेगी यहाँ पर, तुम ज्यादा हो तो तुम इसका मतलब कुछ कर दोगे, हद हो गया यार, खुद चौपट करते हो अपने यार, बस क्या करोगे यार, माथा फोड़ ले हम अपना, ऐसा पढ़ेगा सब संविधान तब ना। आप खुद सोचो भाई, अगर आपके पास 10 वीडियो ऐसा आ जाए कि कोई कश्मीरी पंडित है, उसे कोई कश्मीर का आदमी है, वो उसे खाना खिला रहा है, अपने घर में रह रहा है, उसे बचा के ला रहा है किसी आतंकवादी से, आपकी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप कभी कश्मीरी को गाली दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन बेचारे सबको क्या कीजिएगा, ऐसा नहीं कि वहां सब गलत है, हम आपको बताए ना कुछ पीड़ित किस तरह, 30-40% है जो बहुत गलत है, लेकिन कुछ ऐसे पीड़ित है। लेकिन क्या कीजिएगा आप, हम समझाने जाएंगे हम बेजा उड़ा देगा। आपको लगता है वहां के लोगों ने बहुत बड़ी गलती किया? आप बताइए, सिख लोगों को देखा है, सिख लोगों के, सिखों के 2-2 गुरु को मुगलों ने मार दिया, अर्जुन देव को और तेग बहादुर को, मार दिया कि नहीं मार दिया इन लोगों ने, ऐसे मार दिया यहां पर इन लोगों ने।
लेकिन उन्हीं सिखों ने शाहीन बाग में जब महिलाएं बैठी थी ना, तो उन्हें खाना पहुंचाया था। ये होती है यार इंसानियत, हम समझाएंगे तो दूसरे बात होता है, इमोशनल हो जाता है आदमी समझाने वक्त। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई विवाद हो तो आप किसी आर्बिट्रेरी यानी जो मध्यस्थ व्यक्ति है उससे सुलझा लीजिए। अगर मध्यस्थ को नहीं लाएंगे तो विवाद हो जाएगा। जैसे तलाक का मामला, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, वो ओकरा बोली, ये ओकरा बोली, मन मन पत्नी सोच रही है एकरा से अच्छा तो पहले के बॉयफ्रेंड था, पति सोच रहा है कि ससुरा तीन गो गर्लफ्रेंड थी, तीनों अच्छा थी, सही कैसे चौपट मिल गई। ये दोनों आपस में मन मन बोल रहा है, दूसरे को क्या बोलेगा, सर हमको तो इस सबसे मतलब ही नहीं था, अपने में लड़ जाएगा सर, अब किसी मध्यस्थ को नहीं लाएगा सर, तलाक हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सर समझता है सर।